हाय एवरीवन, वेलकम टू खाना मनपसंद। मैं कामना चोपड़ा खाना मनपसंद में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये काजू की खीर। खीर का टेक्सचर आप देख सकते हैं, बिल्कुल रबड़ी की तरह खीर है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। ट्रस्ट मी, आपने अगर ये खीर एक बार बना ली तो आप नॉर्मल खीर बनाना भूल जाएंगे। तो डू ट्राई दिस रेसिपी, बहुत ही टेस्टी है, काजू, केसर और गुलाब के फ्लेवर वाली। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ जाए, मेरी ये रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं रेसिपी। और आज मैं आपके साथ एक स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मेरी मम्मा की स्पेशल रेसिपी है। आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि ये थोड़ी सी यूनिक रेसिपी है। तो उसके लिए मैं आपके साथ एक स्पेशल फैमिली रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है काजू की खीर। तो उसके लिए हमने यहाँ पर आधा कप काजू ले लिए हैं यहाँ पर, और एक चौथाई कप काजू अलग से ले लिए हैं। तो जो आधा कप काजू हैं उनको हम दूध में भिगोएंगे। उसके लिए अलग से मैंने 250 ml दूध ले लिया है, और यहाँ पर जो है वो 1.5 लीटर से थोड़ा ज़्यादा दूध है। तो कुल जो हम दूध यूज़ करेंगे वो 2 किलो दूध है, यानी कि 2 लीटर दूध यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर फुल फैट मिल्क है, इस पर मलाई ऑलरेडी आई हुई है, तो मैं इसको निकालूंगी नहीं, क्योंकि मैंने पहले से ही बॉयल करके रखा हुआ है। ये जो काजू है इनको हम रोस्ट करके डालेंगे। और इसके लिए यहाँ पर सिर्फ 2 टेबलस्पून बारीक वाला बासमती चावल लिया है। मैं आपको चावल दिखाती हूँ कि मैंने कौन से यूज़ किए हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये बिल्कुल बारीक वाला बासमती है, इसे बासमती का टोटा भी कह सकते हैं। अगर आपको किन की अवेलेबल हो बासमती की, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर ली है किशमिश, ये देखिए इसको मैंने ऑलरेडी सोक कर दिया है। अगर आपको किशमिश खीर में पसंद ना हो तो आप इसे बिल्कुल टोटली अवॉइड कर सकते हैं, बट जब भी आप किशमिश का इस्तेमाल करें खीर के लिए, तो उसको भिगो करके ही डालें। तो इसको 1 घंटे के लिए हम भिगोएंगे, जब तक कि खीर पकेगी। इसमें हम कोई कंडेंस मिल्क यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम काजू को सोक कर देंगे लगभग 1/2 घंटे के लिए दूध में। तो ये देखिए, यहाँ पर लेंगे काजू, आप चाहें तो काजू का टुकड़ा भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, इसको हम दूध के अंदर भिगो देंगे और इसको हम 1/2 घंटे के लिए इसी तरह से भीगा रहने देंगे। इन काजू को हम चॉप करके फ्राई करेंगे, और चावल मैंने ऑलरेडी भिगो दिए हैं, तो 1/2 घंटे के बाद हम खीर बनाना शुरू करेंगे। तो 1/2 घंटा इसे रेस्ट करने देंगे। तो काजू को भीगे हुए 1 घंटा हो चुका है, किशमिश भी भीग चुकी है, चावल भी भीग करके रेडी हैं। तो आइए हम खीर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून दूध लिया है, इसमें 1 चुटकी के करीब केसर भिगो देंगे, जिससे कि काफ़ी अच्छा कलर आता है। अगर आप ये अवॉइड करना चाहें तो टोटली अवॉइड कर सकते हैं, बट बीच बीच में इसे स्टर करते रहेंगे ताकि कुछ भी नीचे चिपके नहीं। तो इसको एक अच्छा सा बॉयल लगा लेंगे। तो ये देखिए, खीर में बॉयल आ चुका है, अच्छे से उबलने लगी है। अभी चावल पकने में थोड़ा समय लगेगा, तो तब तक हम इसमें सिर्फ केसर वाला दूध ऐड कर देंगे। काजू का पेस्ट हमें इस स्टेज पर नहीं ऐड करना, अगर आप इसी स्टेज पर डाल देंगे तो जो काजू है वो नीचे से लगने लगेंगे और खीर का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो ये देखिए, केसर जो हमने भिगो करके रखा था इसको भी हम इसी में डाल देंगे। धीरे धीरे पकते पकते इसका बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। तो अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि चावल पूरी तरह से इस दूध में घुल नहीं जाते। तो ये देखिए, चावल मैं आपको चेक करवाती हूँ, बहुत ही थोड़े चावल हैं, बस इतना हमें इसे पकाएंगे कि ये गाढ़ी होने लगे और चावल के दाने बहुत ही कम अमाउंट में नज़र आएँ। तो ये देखिए, खीर का कलर हल्का सा चेंज हो गया है, और हमने इसमें कोई भी अभी आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं किया है। जैसे जैसे केसर पकेगा वो अपना रंग छोड़ता रहेगा, तो खीर और भी ज़्यादा थोड़ी सी येलो से कलर पे आ जाएगी। तो ये देखिए, चावल भी अच्छे से फूल चुके हैं, इसको लगभग 20 मिनट हो चुके हैं पकते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पर। ये देखिए, चावल बिल्कुल नरम हो चुके हैं। तो अब हम इसे थोड़ा सा और पकाएंगे, जिससे कि चावल बिल्कुल घुलने लगेंगे, और उसके बाद हम इसे नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। और अगर आप इन सब स्टेप से बचना चाहते हैं तो आप खोए का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चावल को पीस करके डाल सकते हैं। बट ये जो है ये ऑथेंटिक रेसिपी है, तो आप इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बन करके आएगी। लगभग 15-20 मिनट के लिए और पकाएंगे, गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो साइड पर इसमें मलाई आ रही है, मैं उसे बीच में मिक्स करती जा रही हूँ इस तरह से, जिससे कि रबड़ी जैसा टेक्सचर आता है खीर का। और नीचे से भी लगातार चलाएंगे ताकि ये बिल्कुल भी लगे नहीं। फ्लेम पर पकने देंगे इसी तरह से 15-20 मिनट के लिए। तो ये देखिए, खीर कितनी गाढ़ी हो चुकी है, चावल भी पूरी तरह से कुक हो चुके हैं, तो 1/2 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है कुक होते हुए दोबारा। तो आप देख सकते हैं साइड से जो भी निकल रहा था उसको स्क्रैप करके मैंने बीच में डाल दिया है, तो इसी तरह से बिल्कुल रबड़ी जैसी बन जाएगी ये। अब हम इसमें काजू का पेस्ट बना करके डालेंगे।
यहाँ पर काजू जो है अच्छे से दूध में भीग चुके हैं, इनको ले लेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर 6 इलायची ली है मैंने, छोटी वाली हरी इलायची जो होती है उसको भी पीस करके डाल देंगे। इसी के साथ मैं थोड़ा सा यहाँ पर केसर भी ऐड कर रही हूँ, ये देखिए बहुत थोड़ा सा केसर। वैसे मैंने केसर पहले भी खीर में ऐड किया है, बट इस तरह से और भी अच्छा कलर आ जाएगा पिसने से। तो एक चुटकी केसर डाल दिया है मैंने इसमें, और अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर काजू का पेस्ट रेडी है। आप केसर के कारण देख सकते हैं खीर का कलर कितना सुंदर हो गया है और बिल्कुल रबड़ी जैसी हो गई है खीर। तो अब हम इसमें ये जो साइड से दूध है या खोया आप जो भी कह सकते हैं, इसको भी साथ साथ स्क्रेप करेंगे। मैंने अभी तक इसमें चीनी भी ऐड नहीं की है, क्योंकि चीनी ऐड करने के बाद ये थोड़ी पतली हो जाएगी, तो इसलिए हम लास्ट में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम ये काजू का पेस्ट डाल देंगे। यहाँ पर जार में आधा कप दूध डाल करके मैंने अच्छे से काजू का पेस्ट जो है वो सारा वो निकाल लूँगी और इसमें डाल दूँगी। और जैसे ही आप काजू का पेस्ट और आधा कप दूध डालेंगे, आप खीर का यहाँ पर टेक्सचर देख सकते हैं। इसको एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे और 8 से 10 मिनट के लिए हम बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि काजू अच्छे तरीके से कुक हो जाए। और देखिए इसको पकने देंगे। आपको ये केसर के पिसे हुए स्टैंड्स दिखाई दे रहे होंगे। जब तक ये पक रही है तब तक हम काजू को भून करके रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच देसी घी। बहुत ही कम घी में रोस्ट कर रही हूँ मैं काजू, क्योंकि खीर में बहुत ज़्यादा घी अच्छा नहीं लगता। और इसमें डाल देंगे ये काजू है, आप चाहें तो इन्हें कट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं डाले हैं, बस 10 से 12 काजू हैं, जिनको कि मैंने अच्छे तरीके से इस तरह हाफ में ले लिया है। इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर हम बिल्कुल गोल्डन कलर आने तक भूनेंगे। देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और काजू पर बिल्कुल हल्का हल्का गोल्डन कलर आ गया है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा हुआ है मैंने, तो अब हम इसको साइड पर रख देंगे और ठंडा होने देंगे, क्योंकि हमें खीर में बिल्कुल क्रंची क्रंची काजू डालनी है। तो मैं यहाँ पर गैस बंद कर दूंगी और अब हम खीर चेक कर लेंगे। तो काजू का पेस्ट ऐड करने के बाद आप खीर का टेक्सचर देख सकते हैं, देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है 5 मिनट में ही। तो इसीलिए हमने इसमें और कुछ ऐड नहीं किया, ना ही कोई खोया डालने की ज़रूरत है, ना ही मावा। बिल्कुल रबड़ी जैसी खीर बनती है। और इसमें हम ऐड कर देंगे 1 कप चीनी। इसका टेस्ट जो है थोड़ा सा काजू कतली और थोड़ा सा खीर से मिलता जुलता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये टेस्ट बहुत पसंद आएगा। अगर आपको काजू कतली और खीर दोनों पसंद है तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे खीर जो है वो थोड़ी पतली हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं रहेगी। ट्रस्ट मी, ये जो रेसिपी है बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप ट्राई करना बिल्कुल ना भूलें। मीठा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। तो चीनी अच्छे से घुल चुकी है, ये खीर लगभग रेडी है। आप देखेंगे तो ये देखिए कितनी गाढ़ी बनी है, और रखने पर ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। और आप नोटिस करेंगे कि इसमें चावल के दाने भी नज़र नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल हलवा से हो गए हैं। तो इसी तरह का रबड़ी जैसा टेक्सचर चाहिए हमें। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये भीगी हुई किशमिश जो है, इसको डाल देंगे। और साथ में ऐड कर देंगे ये काजू, 2-3 काजू मैं ऊपर से गार्निशिंग के लिए बचा लूँगी। ये क्रंची काजू इस खीर में बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए खीर बन करके रेडी है। तो एक बस हल्का सा बॉयल आने देंगे, ताकि चीनी डलने के बाद इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ जाए। हमने ना इसमें कंडेंस मिल्क यूज़ किया है, और ना ही हमने इसमें कोई आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। आप इसे जिस मर्जी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। मैं आपको पास से इसका टेक्स्चर दिखाती हूँ। ये देखिए किसी के भी मुंह में पानी आ जाएगा। इलायची और केसर की खुशबू आ रही है और काजू का टेस्ट साथ में। तो ये देखिए खीर ठंडी हो चुकी है। ठंडी होने के बाद आप इसका बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा टेक्सचर देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ी पतली पसंद हो तो आप इसको पकाते हुए थोड़ा कम पकाएं, या फिर आप दूध ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी रबड़ीदार काजू की खीर बन करके रेडी है, और आपको चावल के दाने भी नज़र नहीं आएंगे। तो इस तरह से काजू की खीर रेडी हो जाती है। तो सर्व करने के लिए मैंने कुछ अलग तरीके से इसको सर्व किया है, तो आइए देख लेंगे। मैंने यहाँ पर थोड़े से रोज़ वाटर के अंदर कुछ केसर और काजू ऐड कर दिए थे, तो इसने कलर छोड़ दिया है और काजू में केसर और गुलाब जल की खुशबू आ गई है। तो आइए पहले हम खीर सर्व कर लेंगे। ठंडी ठंडी ये काजू की खीर जो है किसी आइसक्रीम से कम नहीं लगती, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और त्योहारों पर इसका टेस्ट जो है वो और भी बढ़ जाता है, क्योंकि काफ़ी रॉयल डिश है।
बहुत ही अच्छी लगती है, किसी भी मिठाई से ज़्यादा टेस्ट देती है और बनाने में टाइम भी नहीं लगता। और इसको बना करके आप एक हफ्ते तक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती अगर आप बहुत अच्छे से पकाएंगे तो। तो देखिए मैंने यहाँ पर खीर को सर्व कर लिया है, अब हम इसे गार्निश करेंगे। तो गार्निश करने के लिए मैं यहाँ पर ये जो काजू हैं इनसे इनको गार्निश कर दूँगी। ट्रस्ट मी, आपने ये खीर पहले कभी नहीं खाई होगी, और अगर आप भी इस तरह से बनाते हैं तो मुझे कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताएं। और ये गुलाब जल वाले काजू और केसर तो इसमें चार चांद लगा देते हैं। कुछ बूंदे गुलाब जल की भी डाल देंगे इस पर, साथ ही में हम केसर भी लगा देंगे। तो रेडी है काजू की खीर, देखते ही मुँह में पानी आ जाएगा और खुशबू तो पूछे ही मत। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड शेयर योर फीडबैक। आई होप आपको मेरी नई रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, और अगर आपको ये रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून, बाय।